उप जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग का किया औचक निरीक्षण, डॉक्टर अनुपस्थित। जनपद कन्नौज के तिरवा में उप जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में प्रतिदिन अनुपस्थिति, ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर व स्टाफ, प्रसूताओं को दिए जाने वाले पुष्टाहार में भी मिली गड़बड़ी। कागजों में होती मिली प्रसूताओं को दिए जाने वाले नाश्ते व खाने की सप्लाई। मरीज बोले, महिला डॉक्टर हमेशा रहती है गायब। उप जिलाधिकारी बोले, स्वास्थ्य केंद्र में हर काम में किया जा रहा है घोटाला, और भी स्वास्थ्य केंद्रों का करेंगे निरीक्षण। महीना की सैलरी लेकर निजी क्लिनिक पर मरीजों का करते हैं इलाज, निजी क्लिनिक पर सरकारी दवा देकर करते हैं धन उगाही। जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजकर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। ये CSC दरवा में आज औचक निरीक्षण किया गया था, तो उसमें कुछ डॉक्टर्स, कुछ स्टाफ जो है अनुपस्थित मिला। यहाँ चार महिला डॉक्टर हैं और चार में से चारों ही एब्सेंट मिले। जी जी, अच्छा, एक डॉक्टर आई है, तीन जो है एब्सेंट मिली हैं। उनको जो एब्सेंट मिली हैं उनको नोट कर लिया गया है। यहाँ डिलीवरी के लिए तीन महिलाएँ एडमिट हैं और उनसे पूछा गया है, थोड़ा कुछ कमियाँ थी कुछ नाश्ते वगैरह में, इनको केवल चाय बिस्कुट दिया गया है। अन्य चीज़ें जो दूध वगैरह है वो देना चाहिए, वो नहीं दिया गया है। तो कुछ इसमें कमियाँ पाई गई, कुछ चादर वगैरह कुछ गंदी मिली है। जो रजिस्टर मेंटेन है उसमें डिस्चार्ज वाली एंट्री वगैरह नहीं है, कई कमियाँ हैं। डॉक्टर साहब जो MOIC डॉक्टर राजीव शर्मा जी साथ में थे निरीक्षण के समय, उनको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शन दिए गए हैं। सर, लगातार शिकायतें आ रही हैं, यहाँ के भी दो शिकायतें आई हैं कि यहाँ पर जब डिलीवरी टाइम कोई लेकर आता डॉक्टर नहीं मिलते हैं। सर, इस पर सर क्या गाइडलाइन दी गई? इसमें इनकी रात भी डिलीवरी हुई है, कल रात जो है 21 तारीख की रात्रि से लेकर आज सुबह तक इनके यहाँ 7 डिलीवरी हुई हैं जो रजिस्टर में अंकित हैं। 3 एडमिट हैं, जो एडमिट है उसमें से 1 की डिलीवरी हो चुकी है, 2 की होने होगी। सर, डॉक्टर नदारद रहते हैं, आशा बहू हैं और स्टाफ नर्स डिलीवरी करवाती सर, इस बात पर क्या कहें? जो स्टाफ नर्स या डॉक्टर एब्सेंट हैं उनको नोट कर लिया गया है, उनके खिलाफ रिपोर्ट हम DM साहब को भेज देंगे, और अगर पुनः निरीक्षण में अनुपस्थित पाई जाएगा।